हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। यस डियर, वेरी गुड इवनिंग उज्जवल, वेरी गुड इवनिंग पंकज। चलिए, आज की क्लास है हमारी फार्माकोग्नोसी की। जो भी हमारे एमसीक्यूज हैं वो हम डिस्कस करेंगे। वेरी गुड इवनिंग, जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए और लिंक शेयर करिए अपने जो भी फार्मा ग्रुप्स हैं उसमें, ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स डिस्कशन का पार्ट हो सके। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग डियर। चलिए, लास्ट क्लास में जो कल क्लास हुई थी हमारी फार्माकोलॉजी की, उसमें एक क्वेश्चन में थोड़ा सा सस्पेंस था। वो क्वेश्चन क्या था कि माइक्रोबैक्टीरियम जो आपका ट्यूबरकुलोसिस है, यानी कि जो भी आपका बीसीजी की वैक्सीन है, वो किस आपके बैक्टीरिया से ऑप्टेन होती है। ठीक है, कॉजेटिव एजेंट जो होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। ज्यादातर बच्चों ने क्या टिक किया था, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बट उसका करेक्ट आंसर क्या था, माइक्रोबैक्टीरियम बोवी। ठीक है, बट उसका क्या था करेक्ट, माइक्रोबैक्टीरियम बोवी। एक बार हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कल उसमें काफी कंफ्यूजन था बच्चों में। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये था, बीसीजी वैक्सीन बैसिलस कॉलमेटग्विरिन वैक्सीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम दी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम बोवी एंड माइक्रोबैक्टीरियम माइक्रोटी एंड अफ्रीकाना। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है माइक्रोबैक्टीरियम बोवी। प्लीज डोंट बी कंफ्यूज विथ माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब डिफरेंस की बात करते हैं, जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है और माइक्रोबैक्टीरियम बोवाई। जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो केवल ह्यूमंस में ही टीबी कॉज करता है, बट जो आपका माइक्रोबैक्टीरियम बोविस है वो आपका ह्यूमंस के साथ साथ जो भी आपके डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, कैटल्स हैं, उनमें भी ये ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है। चलिए, इसका एक बार हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्ट्रेन ऑफ एटेन्यूएटेड, यानी कि लाइव, ठीक है, एटेन्यूएटेड बोविन ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस माइक्रोबैक्टीरियम बोविस से ये मेनली क्या होता है, ऑप्टेन होता है। ठीक है, देन बैसिली हैव रिटेन्ड इनफ स्ट्रॉन्ग एंटी जेनिसिटी टू बिकम समवॉट इफेक्टिव वैक्सीन फॉर प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन ट्यूबरकुलोसिस। यानी कि जो आपकी ये पर्टिकुलर इसमें एंटीजेनिसिटी जो प्रॉपर्टी है वो सफिशियंट होती है, किस लिए, जो भी आपका ट्यूबरकुलोसिस का कॉज हो रहा है, ट्यूबरकुलोसिस से प्रिवेंट करने के लिए। चलिए, तो ये हमारा जो कंफ्यूजन था वो हमने उसको दूर कर लिया। अब हम शुरू करते हैं कौन सा फार्माकोग्नोसी। जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सेपोनिफिकेशन क्लाउड टेस्ट इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। श्रद्धा जैन, हाँ बच्चे, कोग्नोसी के होने थे बट एक क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट था तो वही डिस्कस हो रहा था। आइए कोग्नोसी पे। सेपोनिफिकेशन क्लाउड टेस्ट इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉड लिवर ऑयल, बीज वैक्स, जिलेटिन एंड लेनोलिन। जल्दी से करेक्ट आंसर दीजिए, क्लियर करिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। एनीवन, गायत्री, बीज वैक्स। यस डियर, ठीक है, बीज वैक्स। अब इसके हम बात करते हैं किसका, सोज की, किससे होता है ये ऑप्टेन, एपिस मेलिफेरा, जो आपकी हनी बी है, ठीक है, मधुमक्खी जो आपका एपिस मेलिफेरा है, ठीक है, उससे आपका बीज वैक्स ऑप्टेन होता है। देन कॉड लिवर ऑयल आपका किससे ऑप्टेन होता है, गैडस मोरूहा और फैमिली गैडी, ठीक है। चलिए, बीज वैक्स करेक्ट। एक्सप्लेनेशन हम थोड़ा देख लेते हैं इसका। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, सेपोनिफिकेशन मेनली इन्वॉल्व होता है किसमें, जो भी आपके फैट ऑयल या फिर लिपिड्स होते हैं वो किसमें कन्वर्ट होते हैं, एल्कोहल और सोप में, ठीक है, एल्कली इफेक्ट से। देन जो आपका वैक्स है वो एपिस मेलिफेरा, जो हैनी बी की स्पीसीज है, उससे ही आपका ऑप्टेन होता है। देन जो वैक्स है वो सिक्रीट होता है, फोर पेयर ऑफ ग्लैंड्स होती है, ठीक है। मेन जो आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो आपका इंपॉर्टेंट था किसके, क्या कौन सा टेस्ट है, ठीक है। देन आपका क्या आता है, बीज यूज इज टू मेक सेल्स एंड कैपिंग। चलिए ठीक है, ये हमने क्लियर कर लिया कि सेपोनिफिकेशन क्लाउड टेस्ट किसके लिए होता है, बीज के लिए होता है, ठीक है, बीज वैक्स के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंट कंटेनिंग 700 मेडिसिनल हर्ब एंड 870 फॉर्मूलाज नोन एज। आपका हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसिस से ये क्वेश्चन है, क्या है,
oldest document containing 700 medicinal herbs and 870 formulas known as Papyrus Ebrus, Matria Medica, Charak Samhita, Susrut Samhita. जल्दी से आंसर दीजिए. वेरी गुड डियर. Papyrus Ebrus करेक्ट आंसर है आपका. Papyrus Ebrus. चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं. इसमें क्या है, एक अराउंड आपका 1550 जो बिफोर क्राइस्ट डेट थी उस टाइम के इसमें जो भी डाटास थे वो उसमें लिखे हुए थे. ठीक है, ओल्डेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका मेडिसिनल ये डॉक्यूमेंट्री है. ठीक है, बाकी वो जो क्वेश्चन में मेंशन ही था 700 आपका मेडिसिनल हर्ब्स है, 870 फॉर्मूलाज है. ठीक है, ये आपका क्या है, ट्रेटाइज ऑन द हार्ट. ठीक है, ये कंटेन इसमें क्या एक है, ट्रेटाइज ऑन द हार्ट. देन लास्ट आपका क्या है, जो आपके साइंटिस्ट थे मिस्टर जॉर्ज मॉर्टिज एब्रस, इनके नाम पे इनके बाद ये रखा गया एब्रस पेपरस. ठीक है, चलिए. बिलोंग्स टू इजिप्ट. यस डियर, इजिप्ट से बिलोंग करता है. नेक्स्ट आपका क्या है, द ऑप्टिमम टेम्परेचर. ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है. ठीक है, द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर रिक्वायर फॉर द ग्रोथ ऑफ सिनकोना इज, मतलब सिनकोना की ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, 30-40, 15-25, 5-15, 30-50. जल्दी से इसका आंसर दीजिए. इससे एक क्वेश्चन आपका और बनता है. पहली चीज तो सिनकोना की स्पीसीज मतलब आपके कौन कौन सी है, लेटजेरियाना, कैलिसाया, सक्सीरुब्रा, ये सारे. ठीक है, देन जो आपका सिनकोना अलग अलग स्पीसीज के जो पाउडर्स होते हैं वो अलग अलग कलर शो करते हैं. अलग अलग स्पीसीज के पाउडर अलग अलग कलर शो करते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका, जैसे कैलिसाया है, सिनकोना कैलिसाया है, तो उसका जो पाउडर होगा वो कौन सा कलर शो करेगा, सिनकोना कैलिसाया कौन सा कलर शो करेगा, जल्दी से बताइए आंसर इसका, इंपॉर्टेंट है. दो स्पीसीज हैं, ये दोनों के कलर जो होते हैं सेम होते हैं, सिनकोना कैलिसाया एंड सिनकोना लेट जेरियाना. जल्दी से आंसर दीजिए. इनके कलर होते हैं येलोइश. ठीक है, कौन सा कलर होता है पाउडर इसका, येलोइश कलर का होता है. चलिए ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें किसकी, अगर ऑफिसिनेलिस की बात करें तो वो यूजुअली होता है हमारा किस कलर का, वो होता है हमारा स्लाइटली ब्राउन कलर का. किसकी हम बात कर रहे हैं, सिनकोना ऑफिसिनेलिस की. और वही अगर हम बात करें सक्सीरुब्रा की, तो सक्सीरुब्रा हमारा होता है रेडिश ब्राउन कलर का. यस डियर, येलोइश कलर का होता है. चलिए, करेक्ट आंसर क्या है हमारा, 15-25. ठीक है, सिनकोना का जो एवरेज टेम्परेचर इसमें दिया हुआ है कितना होता है आपका, 15-25 विथ ए रिलेटिव ह्यूमिडिटी 85%. इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे एक चीज और है कि कलेक्शन का मेथड जो होता है वो कॉपीसिंग मेथड होता है. क्या होता है, कॉपीसिंग मेथड होता है आपका. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. जेंशियान अंडर यूवी रेडिएशन सोज विच फ्लोरोसेंस. फ्लोरोसेंस से कई बार आपका क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा पर्टिकुलर आपका यूवी में क्रूड ड्रग्स किस किस टाइप के आपके किस कलर के फ्लोरोसेंस देती है. तो ऑप्शन है हमारे लाइट ग्रीन फ्लोरोसेंस, लाइट ब्लू फ्लोरोसेंस, डार्क रेड फ्लोरोसेंस, डार्क ग्रीन फ्लोरोसेंस. जल्दी से आंसर दीजिए. जेंशियान हमारा यूवी लाइट की प्रेजेंस में कौन सा कलर शो करता है. जेंशियान से एक क्वेश्चन आपका और ये भी बनता है कि इसका जो मेन आपका कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका नाम और वो कितने परसेंट में होता है, ये भी बताइए जल्दी से कि जेंशियान का जो मेन आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका नाम क्या है, देन वो कितने परसेंट में होता है. जेंशियो पिक्रिन. ठीक है, क्या है ये हमारा है बीटर ग्लाइकोसाइड
और इसका जो परसेंट होता है वो होता है आपका 2%। कितना होता है? 2%। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है। इसके और भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, लाइक एमआरओ जेंसीन होता है, ठीक है, जेंसियो पिक्रीन होता है, ठीक है, ये सारे बीटर होता है ना सर? हाँ बिल्कुल, बीटर ग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल है। चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका और ये यहाँ पे बनता है कि जो वाटर सोल्यूबल एक्सट्रैक्ट है वो कितने परसेंट तक आपके वेरी करते हैं? मोहम्मद सिराजुद्दीन, 2%। वेरी गुड। वाटर सोल्यूबल एक्सट्रैक्ट, ठीक है, जेंशियन में यील्ड जो होती है, वाटर सोल्यूबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यू कितनी होती है? एनीवन जल्दी से आंसर दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपका। इससे ज्यादा भी एमआरओ, यस डियर, बिटरेस्ट नोन ड्रग आपकी एमआरओ जेंशियन है, ठीक है, ये चीज भी आप जानते रहिए। ये एक बार मैं पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुका हूं कि बिटरेस्ट नोन ड्रग आपकी कौन सी है, तो वो आपकी क्या है? एमआरओ जेंशिन है। चलिए मैंने क्वेश्चन पूछा है कि वाटर सोल्यूबल एक्सट्रैक्टिव आपका कितना परसेंट है, ठीक है, जल्दी से बताइए। हाँ बेटा, कुछ ड्रग का आपका परसेंटेज याद रखना जरूरी है, ठीक है, और वो सारे एमसीक्यू हम यहाँ डिस्कस करेंगे। चलिए, जो आपकी वाटर सोल्यूबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यू इसमें जो रेंज है वो है आपकी 33 से 40%। वाटर सोल्यूबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यू की जो रेंज है आपकी, किसकी, जेंशियान में, वो आपकी 33 से 40% है। चलिए, लाइट ब्लू फ्लोरोसेंस देता है यूवी रेडिएशन में, वेरी गुड। चलिए इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जेंसियोपिक्रिन क्या था? इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट था, प्रिंसिपल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। उसके बाद किस पे आते हैं हम? अदर बीटर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? जेंटिसिन है, एमोरोपेनिन है, एमोरोजेंसिनिन है, ठीक है, एमोस्वेरिन है, ठीक। फिर उसके बाद 33 to 40% वाटर सोल्यूबल एक्सट्रैक्ट आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, द रूट्स ऑफ सैंडल सीडलिंग्स अटैच अटैच देमसेल्फ टू द रूट ऑफ होस्ट प्लांट थ्रो, यानी कि जो भी आपका सैंडल है, ठीक है, सैंडल सीडलिंग्स अटैच देमसेल्फ टू रूट ऑफ द होस्ट प्लांट थ्रो, यानी कि जो यहाँ पे पर्टिकुलर आपके जो पैरासाइट प्लांट होते हैं, सपोज आपका कोई ट्री है, पैरासाइट प्लांट्स क्या होंगे, इसके चारों ओर अपना इस पे लगे होंगे, तो ये जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो पैरासाइट प्लांट हैं, उनमें एक आउटर ग्रोथ होती है, किस लिए होती है? न्यूट्रिएंट्स को, जिस भी प्लांट पे वो है उससे एब्जॉर्ब करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स गेन करने के लिए, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हाउस्टोरिया, एरिलस, टेस्टा, नन ऑफ दी अबव। जल्दी से आंसर दीजिए। रोशन कुमार ए, प्रजक्ता ए, वेरी गुड, ठीक है, यस डियर, करेक्ट आंसर इज ए, हर्स्टोरिया आपका करेक्ट आंसर है। चलिए उसके साथ ही हम बात करते हैं कि टेस्टा और टेगमेंट और एरिलस ये सारी चीजें क्या होती हैं। एरिलस की जब हम बात करते हैं तो कोई भी सीड होता है तो सीड के ऊपर जो होता है आउटर ग्रोथ जो सीड को कंप्लीटली कवर कर ले तो उसी को हम बोलते हैं एरिलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिलस बोलते हैं। देन आता है आपका टेस्टा, ठीक है, टेस्टा के साथ साथ एक और होता है, टैगमेंट होता है। टेस्टा क्या होता है? आपका आउटर मोस्ट कवर होता है किसका? सीड का, आउटर कवर होता है सीड का, ठीक है। टेस्टा जो होता है वो आपका क्या होता है? टेस्टा से क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि हाँ मतलब ये सीड का कौन सा पार्ट है, ये सही चीजें, ठीक है, कौन सा आउटर सीड कोट होता है, ठीक है। चलिए, और जो आपका टैगमेंट होता है, दो होते हैं, एक होता है टेस्टा, दूसरा टैगमेंट। टैगमेंट क्या होता है? ये आपका इनर कोट होता है सीड का। चलिए ठीक है, हम देख सकते हैं यहाँ पे हॉस्टोरिया, हमने बात किया था कि छोटे छोटे यहाँ पे आउटर ग्रोथ्स होती हैं, ठीक है, जो भी प्लांट्स है उसपे, किस लिए? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, जो भी वो उनके जिसपे भी वो क्या है, डिपेंडेंट है। पैरासाइट प्लांट्स क्या होते हैं? यूजुअली न्यूट्रिशनल की उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जिसपे भी वो लाइव है,
ठीक है, तो प्लांट्स में क्या होता है, मॉडिफाइड रूट्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, हॉस्टोरिया बोलते हैं। चलिए, और वो क्या करते हैं, जो भी कंडक्टिव सिस्टम है जिसपे वो लाइव है उसी से क्या करते हैं, उसके जाइलम या फ्लोएम से अटैच होके न्यूट्रिशंस लेते हैं। यस डियर, टैगमेंट इज इनर कोटिंग सारा खान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रूटीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, रूटीन जो है आपका किसका एग्जाम्पल है, ट्राइटरपिनॉइड ग्लाइकोसाइड का, ट्रोपेन एल्कोलाइड का, सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स का, या फिर फ्लेवोनाइड्स ग्लाइकोसाइड का। जल्दी से आंसर दीजिए, रूटीन आपका किसका एग्जाम्पल है। चलिए, रूटीन आपका एग्जाम्पल है फ्लेवोनाइड्स का। वेरी गुड, रोशन सही है, अश्विनी ठीक है। चलिए अब एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। कुछ हमारे ग्लाइकोसाइड्स हैं उसके एग्जाम्पल्स पे देख लेते हैं। लाइक आपके कार्डियो ग्लाइकोसाइड्स कौन कौन से हैं, डिस्टेलिस है, कॉनवेलेरिया है, एंथाक्विनोन में सेना, कैस्कारा, एलोए। एलोए से भी आपके क्वेश्चन पूछता है लाइक आपका जो अलग अलग स्पीसीज हैं उसमें कितना आपका परसेंटेज है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, वो सारी चीजें उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सेपोनिन ग्लाइकोसाइड, ग्लिसराइजा ग्लेबरा ठीक है, साइनोफोर ग्लाइकोसाइड, एमिगडेलिन हो गया आपका, प्रूनिस हो गया, प्रूनिस एमिगडेलिस, देन आइसो आइसोथियोसाइनेट ग्लाइकोसाइड, वाइल्ड मस्टर्ड, फ्लेवेनाइड आपका, एल्कोहल, एल्डिहाइड। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इंपॉर्टेंट है ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैच ग्रुप फर्स्ट विथ ग्रुप सेकंड, ठीक है। ग्रुप फर्स्ट जो है आपके लाइक थैलोक्विन टेस्ट है, थैलोक्विन टेस्ट में आपके कौन कौन से आते हैं लाइक आपका जो भी, चलिए थैलोक्विन टेस्ट है, म्यूरेक्साइड टेस्ट है, विटेलिमोरिन एंड मॉडिफाइड ब्रोंटाइगर टेस्ट है, तो इसमें जल्दी से बताइए। यस डियर, बार्बोलोइन, वेरी गुड, रश्मि सिन्हा, 3 to 4% इनोलॉय, यस कृष्णा, रूटीन को विटामिन पी भी बोलते हैं। चलिए इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, जल्दी से आंसर दीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको एग्जाम में मिल जाए, वो आपको नहीं आ रहा हो, तो सपोज नहीं आ रहा है ठीक है, तो आप सबसे पहले तो ये मिलाइए, ये देखिए कि कौन सा क्वेश्चन, अगर चार है तो चारों में से आपका कौन सा मैच कर रहा है ठीक है। जब आप ये देखोगे पर्टिकुलर कोई एक मैच कर रहा है, तो ये देखिए कि उसमें और कौन कौन से आपके मैच कर रहे हैं। तो इतना तो आपने पढ़ा ही है कि अगर कोई उसमें आपको हिंट मिल जाता है तो आप इजिली उसको कर पाओगे। यस डियर, चलिए यहाँ पे करेक्ट हमारा क्या है, करेक्ट बी है। कैसे, जो हमारा थैलोक्विनोन टेस्ट होता है ये किसके लिए होता है, थैलोक्विनिन टेस्ट होता है, क्विनिन के लिए। देन हमारा कौन सा आता है, क्यू, म्यूरेक्साइड, म्यूरेक्साइड में हमारे कौन से आते हैं, वही हमारे कॉफी टी ये सारे हमारे किस में आते हैं, म्यूरेक्साइड में। देन म्यूरेक्साइड में हमारा कौन सा है, थियोब्रोमिन है। देन विटेलिमोरिन जिसमें हमारा ट्रोपेन एल्कोलाइड्स में आते हैं ठीक है, इसमें हमारा कौन सा आ रहा है, आइसो क्विनोलिन। देन मॉडिफाइड ब्रोंटाइगर टेस्ट आपका कौन सा है, बार्बोलोइन है। बार्बोलोइन से इसका कंसंट्रेशन से क्वेश्चन पूछता है कि कितने परसेंट आपके प्रेजेंट होते हैं किस किस स्पीसीज में। चलिए ये आपका टेस्ट है कि आपका पर्टिकुलर थैलोक्विन टेस्ट का आपका डिस्क्रिप्शन क्या है। देन ग्रीन एमराल्ड, ग्रीन कलर प्रेजेंट होता है, इसके कलर से भी क्वेश्चन आया हुआ है ठीक है। म्यूरेक्साइड टेस्ट मेनली आपका जो आपके कैफीन कॉफी इन सारे के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट करेक्ट अबाउट हाइफी, इसमें से कौन सा आपका स्टेटमेंट है जो कि हाइफी के लिए मोस्ट करेक्ट है। इट इज प्रेजेंट इन यीस्ट एंड फंजाई, सेकेंड वन ग्रुप ऑफ माइसीलिया, थर्ड वन ऑल फंजाई हैज सेपरेट हाइफी, द सेल वॉल कंसिस्ट ए पॉलीसेक्राइड कॉल्ड काइटीन, ठीक है। इसमें से कौन सा आपका स्टेटमेंट है हाइफी के रिगार्डिंग जो कि क्या है, मोस्ट करेक्ट है।
हाइफी को क्या बोल सकते हैं, लाइक माइसीलियम जो होती है, माइसीलियम कलेक्टिवली उसको हम हाइफी बोलते हैं। चलिए करेक्ट आंसर क्या है, दिस सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ ए पॉलीसेक्राइड कॉल्ड काइटिन। अब काइटिन क्या है, काइटिन आपका पॉलीसेक्राइड का टाइप्स है, ठीक है। अब ये देखेंगे हम कि काइटिन में आपके कौन कौन से हैं टाइप्स। देन काइटिन, अगर आप फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात करो, जिसमें आपके कॉकरोच वगैरह आते हैं, उनके जो आपके पंख वगैरह होते हैं, देन लेग्स, वो सारे आउटर जो उनका स्केल्टन होता है वो काइटिन का ही बना होता है। देन हम बात करते हैं किसकी, हाइफी जो होता है मेन क्या होता है, लॉन्ग ब्रांचिंग फंगस होता है, या फिर एक्टिनोबैक्टीरियम भी बोलते हैं। देन ये क्या होता है, मेथड होता है वेजिटेटिव ग्रोथ का, जिसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, माइसीलियम। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये क्या होता है मेनली, हाइफी क्या होता है, मेन मेथड होता है या फिर मोड होता है किसका, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। चलिए ठीक है, द मेजर स्ट्रक्चरल पॉलीमर, ठीक है, पॉलीमर जो मेजर इसका एक स्ट्रक्चरल आपका कंटेंट होता है, जो भी फंगल सेल वॉल होती है उसमें कौन सा होता है, हमारा काइटिन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चे सिंपल हाइफी के बारे में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एकदम सिंपल सा है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है कि ये यूजुअली क्या होते हैं। मोस्ट फंगाई में हाइफी क्या होता है, मेन मेथड होता है वेजिटेटिव ग्रोथ का। वेजिटेटिव ग्रोथ का लाइक किसी भी तरीके का आपका यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, एक बड टाइप का बडिंग आपका टाइप का आपका यहाँ पे क्या होगा, ग्रोथ होगा। देन इसमें क्या होगा, जिसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइसीलियम, जो कि आपका मेनली फंगस और यीस्ट में होता है, ठीक है। और मेथड है आपका किसका, ये वेजिटेटिव ग्रोथ का मेथड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940, नाग मुनि लिटरेचर वॉज इंक्लूडेड इन टू, ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 के अकॉर्डिंग जो नागमनी लिटरेचर था वो किस में इंक्लूड था, आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, यानी कि आयुर्वेदा में। सेकेंड वन क्या है आपका, होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, होम्योपैथिक में, ठीक है। थर्ड वन क्या है आपका, सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, एंड फोर्थ वन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। जल्दी से आंसर दीजिए, भावना, नागमनी, सिद्धा। चलिए करेक्ट आंसर इज सी, सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अब थोड़ा सा हम सिद्धा सिस्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। ओल्डेस्ट नोन सिस्टम है हमारा मेडिसिनल का, मेडिसिन का ओल्डेस्ट नोन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेनली जो मेटल से हम जो क्या करते हैं, डिजीज को ट्रीट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। और इमरजेंसी केसेस की जो भी हमें डिजीज है उसको इसमें नहीं ट्रीट कर सकते, आपका नॉर्मल जो आपकी डिजीजेस हैं उसको मेनली क्योर किया जा सकता है, लाइक आपका फीवर हुआ, लूज मोशंस, ये सारी चीजें। और एग्जामिन किससे करते हैं, डायग्नोसिस किससे करते हैं, पल्स रेट से, यूरिन से, आई, कलर ऑफ बॉडी, ठीक है, वॉइस, इन सब चीजों को हम डायग्नोस करते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, एट्रीब्यूटेड टू ग्रेट सिद्धा अगस्त्य, ठीक है। देन उसके बाद मेनली आज भी ये कहाँ यूज होता है, तमिलनाडु इन इंडिया में मेनली ये प्रैक्टिस हो रहा है। अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940, नागमनी लिटरेचर क्या है, इंक्लूड हुआ किसमें, सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, एब्रस, एब्रस प्रिकेक्टोरियस बिलोंग टू विच क्लास, पॉइजनस प्लांट, हेलुसिनेजन प्लांट, नार्कोटिक प्लांट, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन पूछ रहा है आपका क्या, एब्रस प्रिकेटोरियस बिलोंग्स टू विच क्लास, आपका किस क्लास के प्लांट से आपका बिलोंग करता है एब्रस प्रिकेटोरियस। ऑप्शंस हैं पॉइजनस प्लांट,
वेरी गुड डियर। चलिए सबसे पहले एब्रस के बारे में अगर बात करें, ठीक है, तो एब्रस में जो मेन टॉक्सिक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, ठीक है, जो टॉक्सिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है आपका एब्रिन होता है। क्या होता है? एब्रिन होता है, जो मेनली किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, टॉक्सिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अगर फैमिली के लिए बात करें तो फैमिली इसकी फेबेसी होती है, पॉइजनस, ठीक है। चलिए पॉइजनस होता है कौन, एब्रस प्रिक्टोरियस, ठीक है, मोस्ट टॉक्सिक होता है। अगर हम ये बात करें कि ये लीथल कैसे है, किस मैकेनिज्म से ये लीथल है, तो ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है पर्टिकुलर सेल में। चलिए देखते हैं, एब्रस प्रिक्टोरियस नॉर्मली नोन एज जिक्यूरिटी बीन या फिर रोजरी पी भी इसको बोलते हैं, ठीक है। हर्बेसियस फ्लावरिंग प्लांट होता है, फैमिली फेबेसी है, और मेन आपका कॉन्स्टिट्यूएंट जो टॉक्सिक कॉज कर रहा है कौन सा है, वो आपका एब्रिन है, और तमिल में इसे कुंदुमनी भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डामोम, इन कार्डामोम दी कैल्सियम ऑक्सलेट क्रिस्टल आर प्रेजेंट इन, कार्डामोम जो होता है आपका उसमें कैल्सियम ऑक्सलेट क्रिस्टल किसमें प्रेजेंट होता है, पेरिस्पम में, पेरिकार्प में, या फिर मीजोकार्प में, या फिर एरिलस में, जल्दी से आंसर दीजिए। कैल्सियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल से एक और आपका क्वेश्चन बनता है कि आप देखोगे कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी लीव्स पे आप देखोगे कि ब्लिस्टर टाइप की आउटग्रोथ्स रहती है, ब्लिस्टर लाइक आपको ऐसा लगेगा कि उसपे फफोले टाइप के हो गए हैं। उसमें पूछा ये जाता है कि इस पर्टिकुलर जो ब्लिस्टर्स हैं इनको क्या टर्म देते हैं, एनीवन, इसको हम बोलते हैं सिस्टोलिथ, क्या बोलते हैं, सिस्टोलिथ। और ये किस वजह से होता है, जो हमारे कैल्सियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स होते हैं वो जाके वहां एकुमुलेट हो जाते हैं, क्या हो जाता है, क्या वो होते हैं वहां पे, कैल्सियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं सिस्टोलिथ। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि सिस्टोलिथ आपका क्या होता है, तो कैल्सियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका पेरिस्पम, पेरिस्पम में अगर कार्डामोम की बात करें तो वहां पे आपका स्टोर होता है कहाँ, पेरिस्पम में, लाइक ये आपकी कैल्सियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अगार, अगार जो होता है आपका उसका मेन आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, ऑप्शंस क्या क्या है हमारे, एल एरेबिनोज, एल रेमिनोज, 3.5% ग्लूकोज एंड 6% नाइट्रोजन, 3.5% सेलुलोज एंड 6% नाइट्रोजन। अब अगार की बात हुई है तो अगार पहले तो ये जान लीजिए किससे किससे हमारा ऑप्टेन होता है, एगारोज, जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया, रेड एल्गी, इन सबसे क्या होता है आपका अगारोस, ये आपका ऑप्टेन होता है, जिलेडियम एमानसी हुआ, ठीक है, इन सारे से हमारा क्या मेनली ऑप्टेन होता है अगार, ठीक है। एगारोस क्या, एगार क्या होता है आपका पॉलीसेक्राइड का क्या है, ये टाइप है, और एगार के हमारे दो पार्ट होते हैं, पहला क्या होता है एगारोज होता है, क्या होता है एगारोज होता है, और दूसरा होता है हमारा एगारोपेक्टिन होता है, क्या होता है, प्लीज डियर स्टूडेंट्स फोकस ऑन स्टडी, ठीक है। पहला क्या होता है आपका एगारोज होता है, दूसरा होता है एगारोपेक्टिन। अब क्वेश्चन यहां से आता है कि एगारोज किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और एगारोपेक्टिन किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एगारोपेक्टिन आपका जो पर्टिकुलर आपकी विस्कोसिटी होती है एगार की उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो आपका एगारोज होता है वो किस लिए, जेल फॉर्म के लिए, किस लिए होता है रिस्पॉन्सिबल, जेल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जेल प्रॉपर्टी के लिए। चलिए
करेक्ट आंसर यहाँ पे है हमारा डी, 3.5% सेल्यूलोज और 6.6% आपका नाइट्रोजन होता है, किसमें हमारा एगारोज, जो हमारा एगार का क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। अब थोड़ा हम एगार के बारे में देख लेते हैं। इसमें मेनली हमारे दो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, पहला होता है हमारा क्या एगारोज, सेकेंड वन इज एगारोपेक्टिन, ठीक है। जेल स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा एगारोज और एगारोपेक्टिन, जो पर्टिकुलर विस्कोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका क्वेश्चन आपका बायोलॉजिकल सोर्स से भी पूछता है, लाइक आपका जिलेडियम एमानसी मेनली यूज होता है, रेड ग्रीन एल्गी भी यूज होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बावीचिनिन। बावीचिनिन क्या है आपका पर्टिकुलर एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, इज द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, ये मेनली ये जो आपका एगार होता है ये बैक्टीरिया के कल्चर कल्चर को डेवलप करने के लिए भी यूज होता है। यस डियर नीलेश, वेरी गुड, कल्चर्स को डेवलप करने के लिए भी ये यूज होता है। बावीचिनिन क्या होता है आपका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, ये किसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, अमी मेजूस का, सोरेलिया का, लिक्वराइज का या फिर एमचा का। ऑप्शंस क्या क्या है हमारे, एमी मेजूस है, सोरेलिया है, लिक्वराइज एंड एमचा। आंसर दीजिए जल्दी से। सोरेलिया की अगर बात करें तो सोरेलिया कोर्लीफोलिया हमारा जो प्लांट होता है, मेन इसका जो यूज होता है सोरेलिया से याद रखिएगा, सोरियासिस में यूज होता है। किसमें यूज होता है, सोरियासिस में। इसमें होता क्या है, व्हाइट व्हाइट पैचेस क्या होते हैं स्किन पे आपके व्हाइट पैचेस स्टार्ट हो जाते हैं, होते हैं, वो आपका होता है क्या, सोरेलिया। और बावीचिनिन किसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, वेरी गुड, बावीचिनिन हमारा सोरेलिया का मेन किसका है, सोरेलिया का कॉन्स्टिट्यूएंट है। ये स्ट्रक्चर है आपका, मेन स्ट्रक्चर उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट मेन ये जानिए कि ये किसका इंपॉर्टेंट है, चाइनीज हर्ब फ्रक्टोज सोरेलिया का, ये मेन आपका इंपॉर्टेंट है। यस डियर, सोरियासिस इज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द टर्म न्यूट्रास्यूटिकल वॉज क्वाइंड इन 1989 बाई, किस साइंटिस्ट ने आपका टर्म न्यूट्रास्यूटिकल्स दिया था, किस साइंटिस्ट ने आपका न्यूट्रास्यूटिकल्स टर्म दिया था। ऑप्शंस क्या क्या है हमारे, विलियम गेरविक, मेटिनचॉफ, स्टेफन डे फिलेस एंड सैमुअल थॉम्सन। जल्दी से आंसर करिए, क्वेश्चन आपका क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल्स आपका किस साइंटिस्ट ने दिया था, ये टर्म आपका किस साइंटिस्ट ने दिया था। काफी कंफ्यूजन है। चलिए, जो स्टीफन डे फिलिस थे इन सब ने दिया था आपका न्यूट्रास्यूटिकल टर्म, और जो मेटिनचॉफ थे इन्होंने इम्यूनोलॉजी में काफी कंट्रीब्यूशन दिया था, तो इम्यूनोलॉजी से अगर रिलेटेड आता है कि इनका किस में कंट्रीब्यूशन था, तो इनका इम्यूनोलॉजी में था। एंड स्टेफन डे फिलेस ने क्या किया था, न्यूट्रास्यूटिकल टर्म्स दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मेजर अमाइनो एसिड एंड सुगर प्रेजेंट इन हनी इज, हनी में आपका मेजर अमाइनो एसिड कौन सा, अमाइनो एसिड और सुगर कौन सा आपका मेजरली प्रेजेंट होता है। ऑप्शंस क्या क्या है, आर्जिनिन एंड ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, एलेनिन एंड ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, प्रोलीन एंड ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, लास्ट वन क्या है आपका, ग्लाइसिन एंड ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। जल्दी से आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या है। अगर सिंपलेस्ट अमीनो एसिड की बात करें तो वो होता है हमारा क्या, ग्लाइसिन आपका सिंपलेस्ट अमीनो एसिड्स होता है, ठीक है।
और हनी में हमारा मेजरली कौन से अमाइनो एसिड्स और सुगर प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें हमारा प्रोलीन और ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है। कौन सा? प्रोलीन, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अगर परसेंटेज की बात करें तो मेनली आपका क्या, फ्रक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज, ठीक है, ये मेनली आपके इतने प्रेजेंट होते हैं। फ्रक्टोज क्या होता है, मेन सुगर फाउंड किसमें, हनी में, ठीक है। देन अगर प्रोलीन की बात करें, अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 80-90% होता है। एक क्वेश्चन आपके लिए ये है कि एरोमेटिक आपके अमाइनो एसिड्स कौन कौन से हैं, जल्दी से बताइए एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स कौन कौन से हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है, एनीवन? फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन, यस डियर, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डायस्टेज, डायस्टेज आपका एंजाइम है, टेक पार्ट इन डाइजेशन ऑफ विच वन, आपके किस आपके पार्ट के डाइजेशन में ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शंस क्या क्या है हमारे, प्रोटीन है, स्टार्च है, अमाइनो एसिड एंड फैट। डायस्टेज जो होता है ये पर्टिकुलर आपके किसके डाइजेशन में हेल्प करता है। ऑप्शंस क्या क्या है हमारे, प्रोटीन, स्टार्च, अमाइनो एसिड एंड फैट। अगर फैट की हम बात करें तो फैट हमारा किससे मेनली होता है, लाइपेज एंजाइम जो होता है वो मेनली आपका किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फैट के ब्रेक डाउन के लिए। देन अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें, एमाइलेज जो होता है मेनली आपके कार्बोहाइड्रेट के लिए। चलिए वेरी गुड, करेक्ट आंसर है बी, यस डियर। स्टार्च जो होता है मेनली क्या होता है, डायस्टेज के थ्रू ये ब्रेक डाउन होता है। चलिए एक थोड़ा सा देख लेते हैं, डायस्टेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ एंजाइम्स, ठीक है, कैटेलाइज एंड ब्रेक डाउन स्टार्च इंटू माल्टोज, ठीक है। अल्फा एमाइलेज डिग्रेड होता है किसमें, स्टार्च टू ए मिक्सचर ऑफ डाइसेक्राइड माल्टोज, ठीक है। स्टार्च क्या हुआ, डायस्टेज की प्रेजेंस में क्या हुआ, माल्टोज में ब्रेक डाउन हुआ। किसमें ब्रेक डाउन होता है ये भी याद रखिए, किसमें होता है, माल्टोज में होता है। चलिए बायोपेस्टिसाइड इंक्लूड, बायोपेस्टिसाइड क्या इंक्लूड करते हैं, बायो हर्बिसाइड एंड बायो इंसेक्टिसाइड, बायो इंसेक्टिसाइड, बायो हर्बिसाइड, बायो हर्बिसाइड, बायो इंसेक्टिसाइड एंड बायो फर्टिलाइजर। आंसर दीजिए, बायोपेस्टिसाइड्स मतलब ये टर्म ही बता रहा है कि क्या है, नेचुरल ओरिजिन से ये आपका बना हुआ है, किससे, नेचुरल ओरिजिन से, ठीक है। चीज वाइब्स 30 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन भी आ जाए, 30 क्वेश्चंस का 10 को नहीं पता, बट जो हम डेली क्लासेस ले रहे हैं उसमें से आपके क्वेश्चंस चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जरूर आएंगे, ठीक है। चलिए बायोपेस्टिसाइड्स मेनली क्या इंक्लूड करते हैं, आपके बायो हर्बिसाइड्स और बायो इंसेक्टिसाइड। चलिए इसका हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो बायोपेस्टिसाइड्स होते हैं मेनली क्या, नेचुरली अक्रिंग सब्सटेंसेस से होते हैं, और पेस्टिसाइड्स होते क्या है, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो भी इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, ताकि जो जो भी किसान हैं उनके एग्रीकल्चर फील्ड्स में क्या हो, एग्रीकल्चर फील्ड में क्या हो, उनका लॉस ना हो, ठीक है। देन आपका क्या है, बायो पेस्टिसाइड्स हो गए, ठीक है। देन बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड आर नेचुरल पेस्ट कंट्रोल एजेंट दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंस, ठीक है, और एग्रीकल्चर फूड्स और प्रोटेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए मेनली ये यूज होते हैं, और अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेरिएट हेड एंड यूनिसेलुलर स्टाल्क आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यूनिसेरिएट हेड एंड यूनिसेलुलर स्टाल्क। जल्दी से आंसर दीजिए, ऑप्शंस क्या क्या है हमारे, डिस्टेलिस लेनाटा, परप्यूरिया, थापसी एंड ऑल ऑफ द अबव। एनीवन? अगर ट्राइकोम्स की बात करें कि डिस्टेलिस में, ये आपका कई बार पूछा हुआ है कि डिस्टेलिस में किस टाइप के
ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसका भी आंसर बताइए कि डिस्टेलिस में हमारे किस टाइप के ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं, जल्दी से। क्लियर करिए, जल्दी से आंसर दीजिए कि डिस्टेलिस में मेनली हमारे किस टाइप के ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन, स्टोमेटा भी इसमें किस टाइप के प्रेजेंट होते हैं। अगर ट्राइकोम्स की बात करें तो इसमें मेनली होते हैं आपके ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स। और अगर हम स्टोमेटा की बात करें तो रेनन कुलेसियस जो स्टोमेटा होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। किस टाइप के? वेरी गुड, भविष्य, वेरी गुड, ग्लैंडुलर होते हैं, ठीक है। और अगर स्टोमेटा की बात करें, ठीक है, कि स्टोमेटा किस टाइप के होते हैं, तो एनमोसिटिक, वेरी गुड, एनमोसिटिक या फिर रेनन कुलेसी टाइप ऑफ स्टोमेटा इसमें प्रेजेंट होते हैं मेनली। ये डिस्टेलिस से आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और यूनिसेरिएट हेड और यूनिसेलुलर आपका मेनली डिस्टेलिस परप्यूरिया में होता है। किसमें? डिस्टेलिस परप्यूरिया में। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लीफ कैसी होती है हमारी? डॉल्सी वेंट्रल होती है। कैसी होती है? डॉल्सी वेंट्रल होती है। कवरिंग ट्राइकोम्स होते हैं, यूनिसेरिएट होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? और ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स भी होते हैं, यूनिसेलुलर स्टॉक और बाईसेलुलर या फिर रेयरली यूनिसेलुलर हेड देखने को मिलता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपकी क्या है? रेनन कुलेसियस टाइप ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, एनमोसिटिक या फिर रेनन कुलेसियस टाइप ऑफ स्टोमेटा। चलिए स्टोमेटा के बारे में थोड़ा सा अभी हम आगे देखेंगे एक्सप्लेनेशन में। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्या? टी शेप ट्राइकोम्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। टी शेप ट्राइकोम्स हमारे किसमें प्रेजेंट होते हैं? ऑप्शन है हमारा आर्टिमेसनिन, धतूरा, स्ट्रेमोनियम, नन ऑफ दी अबाउट। टी शेप ट्राइकोम्स किसमें प्रेजेंट होते हैं? आर्टिमेसनिन का जो आपका सोर्स होता है आर्टिमेसिया एनुआ होता है, वेरी गुड। आपके जो टी टाइप के होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं आपके आर्टिमेसनिन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिमेसनिन के बारे में चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें क्या होता है? जो आपके ट्राइकोम्स होते हैं ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स और टी ट्राइकोम्स दो टाइप के होते हैं, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये मेनली हमारा किस टाइप का है? अगर देखा जाए तो अपोजिट साइड का उल्टा आपका टी है, ठीक है। टी शेप्ड आपका ट्राइकोम्स है। देन ये शेप से आई आपको पता चल जाए कि आपका ग्लैंडुलर शेप में है, तो ये आपका क्या है? ग्लैंडुलर सिक्रेटरी ट्राइकोम्स है, ठीक है। सिक्रेटरी सेल्स आपके अपर साइड में प्रेजेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लाइकोपोडियम पाउडर मेथड कैन बी यूज टू फाइंड द परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ क्रूड ड्रग कंटेन। लाइकोपोडियम स्पोर मेथड होता है, ठीक है। मेनली क्या किस चीज के लिए? प्यूरिटी के लिए ये किया जाता है और कई बार इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। मल्टी लेयर टिश्यू ऑफ सेल प्रेजेंट होता है, क्या? मल्टी लेयर टिश्यू ऑफ सेल। सेकेंड वन क्या है आपका? वेल डिफाइंड पार्टिकल्स विच कैन बी काउंटेड, ठीक है, विच कैन बी काउंटेड। थर्ड वन ऑयल बबल्स। लास्ट वन क्या है? कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल ऑफ इररेगुलर थिकनेस द लेंथ ऑफ विच कैन बी मेजर्ड। करेक्ट आंसर क्या है? जल्दी से आंसर करिए। वेल डिफाइंड पार्टिकल विच कैन बी काउंट, वेरी गुड, बी इज करेक्ट। लाइकोपोडियम क्या होता है? लाइकोपोडियम स्पोर मेथड होता है। जब भी केमिकल मेथड और आपके और भी मेथड्स क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं किसी भी ड्रग की प्यूरिटी को हमें पता करने के लिए, तो वहां पे हम यूज करते हैं कौन सा? लाइकोपोडियम स्पोर मेथड। 94,000 होते हैं, कितने होते हैं? 94,000 स्पोर्स होते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है। कितनी क्वांटिटी होती है, ठीक है, 1 मिलीग्राम में। देन साइज, ठीक है, 25 माइक्रोन। देन वेल डिफाइंड पार्टिकल्स होते हैं जो कि काउंट किए जाते हैं। किस कंडीशन में किया जाता है? केमिकल या अदर मेथड इवेल्युएशन के ड्रग्स के जब हमारे फेल हो जाते हैं तब ये मेथड हम अप्लाई करते हैं। और हर एक ड्रग का जो होता है ये क्या होता है? लाइकोपोडियम जो काउंट क्वांटिटी होती है वो अलग अलग होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैरियोफाइलियस और डाइएसिटिक टाइप ऑफ स्टोमेटा फाउंड इन, कैरियोफाइलियस या फिर डाइएसिटिक स्टोमेटा किसमें पाए जाते हैं, डिजिटेलिस में या फिर बेरबेरी लिप्स में, सेकंड क्या है बेलेडोना या फिर धतूरा लिप्स में, थर्ड वन सेना या फिर कोकालियू, लास्ट वन थायमिन स्पर्मिंट लिप्स में। जल्दी से आंसर करिए। वेरी गुड वेरी गुड चंदन, डी इज करेक्ट, थायमिन एंड स्पर्मिंट लीव्स जो होती है मेनली उसमें हमारे किस टाइप के स्टोमेटा रहते हैं। चलिए स्टोमेटा के डायसिटिक, स्टोमेटा का एक ये सिंपल सा आपका एक्सप्लेनेशन है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लाइक पैरासिटिक ठीक है या फिर रूबिएसियस आपके किस में प्रेजेंट होते हैं, इसमें आप देख रहे हैं एक पैरलर में प्रेजेंट है जो भी हमारी गार्ड सेल है स्टोमेटा में। एग्जाम्पल्स आपके कौन कौन है, सेना है और कोका है ठीक है। देन डायसिटिक या फिर कैरियोफाइलस क्या है, इसमें गार्ड सेल जो होते हैं दो सब्सिडरी सेल्स जो होते हैं उसके एक्सिस में राइट एंगल से स्टोमेटा पे वो क्या होते हैं उसको सराउंडिंग्स में प्रेजेंट होते हैं, स्पर्मिंट पीपरमिंट और वसाका में ठीक है, एडर्टिडा वसाका में क्या होते हैं इन सब में प्रेजेंट होते हैं। देन एनोमोसिटिक रेनकुलेसियस या फिर इरेगुलर कॉल्ड स्टोमेटा, इसका कोई आपका मेंशनड आपका स्ट्रक्चर नहीं होता ठीक है, इरेगुलर कॉल्ड स्टोमेटा, इसमें क्या होता है स्टोमेटा जो होता है वेरियस नंबर ऑफ सब्सिडरी सेल से आपका क्या होता है कवर रहता है। और एग्जांपल्स आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चू डिस्टेलिस लोबेलिया क्लो फेनल एंड ओपियम, इसके क्या है। एग्जांपल्स हैं ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, साल्कोवस्की टेस्ट इज अप्लाइड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ, साल्कोवस्की टेस्ट जो होता है वो किसके आइडेंटिफिकेशन में अप्लाई किया जाता है, प्रोटीन के। मुझे लगता है कि जितने लोग आपके यहाँ पे ऑनलाइन हैं सभी इसका करेक्ट आंसर देंगे कि साल्कोवस्की टेस्ट आपका मेनली किस कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए होता है, स्टीरॉइड्स या फिर टर्पिनॉइड्स के लिए, टैनिन्स के लिए या फिर ग्लाइकोसाइड्स के लिए। जल्दी से आंसर दीजिए। वेरी गुड, चलिए साल्कोवस्की टेस्ट हमारा स्टीरॉइड्स के लिए और टर्पिनॉइड्स के लिए मेनली हमारा यूज होता है, कौन साल्कोवस्की टेस्ट। इसमें होता क्या है मेनली हम क्या करते हैं 2 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म ड्राई टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते हैं डिजोल्व करते हैं या फिर लेते हैं, देन H2SO4 इक्वल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं, देन उसको शेक करते हैं तो अपर लेयर क्या होती है उसमें, रेडिश कलर में क्या हो जाती है टर्न हो जाती है, और जो सल्फ्यूरिक एसिड कलर होती है वो येलोइश कलर में आपका कन्वर्ट होती है और ग्रीन फ्लोरोसेंस देती है। किस कलर की फ्लोरोसेंस देती है, ग्रीन कलर की फ्लोरोसेंस देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायोसजेनिन क्या है, डायोसजेनिन कैन बी बायोसिंथेसाइज्ड बाय, डायोसजेनिन जो होता है मेनली आपका किससे सिंथेसाइज्ड होता है, किस पाथवे से, सिकमिक एसिड पाथवे, मेलोनिक एसिड पाथवे, मेवालोनिक एसिड पाथवे, इंपॉर्टेंट है जल्दी से बताइए कौन सा। डायोसजेनिन जो होता है मेनली आपका किससे उसकी बायोसिंथेसिस होती है, किसकी, डायोसजेनिन की। अगर सिकमिक एसिड पाथवे की बात करें तो जो भी हमारे एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होते हैं ठीक है, सिकमिक एसिड पाथवे कौन से हमारे एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स, हमने पहले भी बात किया था कौन कौन से थे, फिनाइल एलानिन टायरोसिन ट्रिप्टोफैन ठीक है, ये सब हमारे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, सिकमिक एसिड पाथवे से ये क्या होते हैं मेनली आपके बायोसिंथेसाइज्ड होते हैं, और डायोसजेनिन जो होता है किसके थ्रू आपका बनता है, मेवालोनिक एसिड पाथवे के थ्रू बायोसिंथेसाइज्ड होता है। चलिए रिएक्शन देख लेते हैं, एस्टाइल कोएंजाइम में देन एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम में देन हाइड्रोक्सीमेथाइल ग्लूटेराइल कोएंजाइम में देन आपका कौन सा आता है, मेवालोनिक एसिड, देन आपका क्या आता है, स्क्वालीन
ठीक है, ये दो पार्ट्स में आपका दो चेन्स चलती है, देन लास्ट में क्या फॉर्म करता है, ये डायज्यूनिन फॉर्म करता है। यस डियर, सिकमिक एसिड पाथवे आपका एरोमेटिक के लिए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द पाउडर ऑफ विच स्पीसीज ऑफ सिंकोना अकर्स इन येलो कलर। ये क्लास स्टार्ट होते ही डिस्कस किया था कि कौन कौन से सिंकोना की स्पीसीज, कौन कौन से जो पाउडर है कौन कौन से कलर प्रोड्यूस करते हैं, सिंकोना के कौन से कलर, तो इसमें यहाँ पे येलो पूछा है। तो ऑप्शंस क्या है, सिंकोना कैलिसाया, लेटजेरियाना, बोथ ए एंड बी एंड सक्सीरुब्रा। जल्दी से आंसर दीजिए कि सिंकोना का आपका कौन सा स्पीसीज है पाउडर का जो कि आपका येलो कलर प्रोड्यूस करता है। वेरी गुड डियर, सी बोथ आपके ए एंड बी, लेटजेरियाना और कैलिसाया ये दोनों आपके क्या प्रोड्यूस करते हैं, आपके येलो कलर प्रोड्यूस करते हैं। और वही अगर हम बात करें ऑफिसिनेलिस की तो वो आपका जो होता है स्लाइटली ब्राउन कलर, कैसा स्लाइटली ब्राउन कलर, ऑफिसिनेलिस तो है नहीं, स्लाइटली आपका ब्राउन कलर। वही अगर हम किसकी बात करें, सक्सीरुब्रा की बात करें तो ये क्या होता है आपका, ये क्या करता है आपका रेडिश ब्राउन कलर, कैसा रेडिश ब्राउन कलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका चलिए एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। कलर्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि आउटर्स जो होता है आपके येलो, ठीक है ये वही है जो अभी हमने बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्क्वेलिन इज ए, स्क्वेलिन अभी हमने मेवालोनिक पाथवे में भी देखा था, तो स्क्वेलिन हमारा मेनली क्या होता है, नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, हाईली अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, कौन स्क्वेलिन, देन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ शार्क लीवर ऑयल, लास्ट वन इज ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से आंसर करिए। वेरी गुड, जो आपका स्क्वेलिन होता है मेनली क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी है, और किसका, शार्क लीवर ऑयल का ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट भी है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी है। अब स्क्वेलिन मेनली क्या है आपका, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, और शार्क लीवर ऑयल से हमारा क्या होता है, ऑप्टेन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टैनिन्स, टैनिन्स शो सम केमिकल रिएक्शन एक्सेप्ट, टैनिन्स मेनली जो हमारे प्रोटीन प्रेसिपिटेट कराते हैं, ठीक है, देन तो इसमें कौन कौन से हमारे हैं, इसमें से एक्सेप्ट है पूछा, यानी कि कौन सा केमिकल रिएक्शन नहीं शो करते हैं। ऑप्शन क्या क्या है, सॉल्यूशन ऑफ टैनिन प्रेसिपिटेट जिलेटिन, जो टैनिन का हमारा सॉल्यूशन है जिलेटिन को प्रेसिपिटेट कराएगा, जिलेटिन आर प्रेसिपिटेटेड बाई सॉल्ट ऑफ कॉपर एंड लेड, जो भी हमारा टैनिन है, सॉरी टैनिन आर प्रेसिपिटेटेड बाई सॉल्ट ऑफ कॉपर टीन एंड लेड। थर्ड क्या है, दे शो कलर रिएक्शन विथ आयरन, आयरन के साथ क्या ब्राउनिश या रेडिश कलर वो क्या करेंगे, शो करेंगे। लास्ट वन, दे रिएक्ट विथ पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। वेरी गुड डियर, क्या करते हैं वो, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड के साथ कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं इसका, आप चाहो तो स्क्रीन शॉट ले सकते हो। लाइक आपका आयरन के साथ हमने बात की थी तो क्या ब्राउनिश ग्रीन कलर शो करेगा, किसके साथ, आयरन के साथ, ठीक है। देन जिलेटिन टेस्ट की भी हमने बात की थी, इसमें क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड, ठीक है, 1% जिलेटिन सॉल्यूशन एंड 10% सोडियम क्लोराइड, वाइट बफ कलर प्रेसिपिटेट इसमें फॉर्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फेनल, किसकी बात हो रही है, फेनल की बात हो रही है, इज एनिथॉल, ठीक है, एनिथॉल क्या है हमारा चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका, फेनल का, और केमिकली ये क्या है, कीटोन है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, एल्कोहलिक ईथर है, या फिर फिनोलिक ईथर है। चलिए क्वेश्चन क्या पूछा है, जो एनिथॉल होता है उसका मेनली केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट नेचर वाइज वो क्या है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या है, फिनोलिक ईथर है, क्या है, फिनोलिक ईथर है। चलिए एक्सप्लेनेशन
एंथॉल क्या होता है मेनली, इसको हम एनीस कैंपर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनीस कैंपर भी बोलते हैं, फ्लेवरिंग सब्सटेंस भी होता है, और फिनाइल प्रोपीन डेरिवेटिव होता है, किसका, फिनाइल प्रोपीन का डेरिवेटिव होता है, और एनिथॉल क्या है, फिनॉल मिथाइल ईथर है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हो, बेंजीन के साथ आपका मिथाइल ग्रुप एंड मिथाइल ईथर आपका अटैच है एनिथॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, केमिकल टेस्ट फॉर फिक्स ऑयल एंड फैट, फिक्स ऑयल और फैट के लिए आपका केमिकल टेस्ट क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट, जो कि ये क्या करता है, पर्पल कलर शो करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट, क्लियर ब्लू सॉल्यूशन, किरिश टेस्ट, इसमें क्या होता है, डिटेक्शन ऑफ रेंसिडिटी और ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगा, लास्ट में किरिश टेस्ट फिर है बट कलर का डिफरेंस है, रेंसिडिटी के साथ इसमें रेड कलर प्रोड्यूस करेगा। जल्दी से आंसर दीजिए कि आपका केमिकल टेस्ट जो होता है फिक्स्ड ऑयल के लिए और फैट्स के लिए, मेनली इसमें आपका कौन सा होगा करेक्ट आंसर। जल्दी से आंसर करिए। वेरी गुड, यस डी यस, सबको सब कुछ नहीं आता बट कोशिश हमेशा करनी चाहिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा आए। फर्स्ट एंड फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अब देखिए फर्स्ट एंड सॉरी सेकेंड एंड फोर्थ इज करेक्ट आंसर। सेकेंड क्या है आपका, क्लियर ब्लू सॉल्यूशन देता है। अब जब भी अगर ब्लू सॉल्यूशन की बात आ रही है यानी कि आपका कॉपर सल्फेट प्रेजेंट है, क्या है, कॉपर सल्फेट प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा सैंपल के साथ, किसमें, जो आपका सेकेंड है, इसमें क्या होगा सैंपल के साथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन 1% और 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। कौन कौन सा है आपका, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन 1%, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन आपका 10%, और क्या करेगा ये, क्लियर ब्लू सॉल्यूशन प्रोड्यूस कराएगा, क्या कराएगा, क्लियर ब्लू सॉल्यूशन। देन सेकेंड किरिश टेस्ट आपका क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, रेंसिडिटी के लिए होता है, एल्डिहाइड या फिर मेलोनियल्डिहाइड क्या होता है, इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो कि डिटेक्टेड होते हैं किसमें, किरिश टेस्ट में, और यूज हम किसका करते हैं, फ्लोरोग्लिसिनॉल का, ठीक है, जो कि क्या करता है, रेड कलर प्रोड्यूस करता है और फैट के साथ ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये आपका, ये टेस्ट किरिश टेस्ट इंपॉर्टेंट है, रेंसिडिटी इंडेक्स बताता है। नेक्स्ट आपका है मिर्ज कंटेन इंपॉर्टेंट एसिड, मिर्ज जो होता है आपका कौन सा इंपॉर्टेंट एसिड कंटेन करता है, ऑप्शन है आपके कोमीफोरिक एसिड, एबियाटिक एसिड, बेंजोइक एसिड एंड एसिटिक एसिड। जल्दी से आंसर दीजिए, मिर्ज जो होता है मेनली इसमें आपका कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ऑप्शन है आपके कोमीफोरिक एसिड, एबियाटिक एसिड, बेंजोइक एसिड एंड एसिटिक एसिड। चलिए करेक्ट आंसर है हमारा क्या, कॉमीफोरिक एसिड, क्या है, कॉमीफोरिक एसिड। अब इसके किसकी हम बात करते हैं, वोलाटाइल ऑयल कितना होता है इसमें, 10% होता है किसमें, मिर्ज में, और गम की अगर हम बात करें तो वो आपका होता है अप्रॉक्स 60%, कितना होता है 60%, और रेजिन वो होता है हमारा कितना 25 से 40% हमारा क्या प्रेजेंट होता है, रेजिन प्रेजेंट होता है। देन रेजिन में आपका क्या होता है, अल्फा बीटा एंड गामा कोमीफोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, क्या होता है, अल्फा बीटा एंड गामा कोमीफोरिक एसिड होता है, ठीक है, जो कि आपके ईथर में, ठीक है, ईथर में नॉन पोलर ईथर में सोल्यूबल होते हैं, ठीक है, और मेनली आपका एंजाइम जो होता है वो आपका ऑक्सीडेज होता है, क्या होता है, ऑक्सीडेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ओलियोगम रेजिन आर मिक्सचर ऑफ, ओलियोगम रेजिन जो होता है मेनली जो आपका ओलियोगम रेजिन है वो किसका मिक्सचर होता है, ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है हमारे, ऑप्शंस है फर्स्ट वन है वोलाटाइल ऑयल प्लस गम प्लस रेजिन, ठीक है, वोलाटाइल ऑयल गम एंड रेजिन। सेकंड वन क्या है आपका, फिक्स ऑयल गम एंड रेजिन, सेकंड क्या है, फिक्स ऑयल गम एंड रेजिन, थर्ड वन फैट गम एंड रेजिन, लास्ट वन गम एंड रेजिन। जल्दी से आंसर करिए। बहुत अच्छे बच्चों,
ओलियो गम रेजिन में क्या होता है मेनली आपके वोलाटाइल ऑयल गम रेजिन ये तीनों आपके प्रेजेंट होते हैं। एक्सप्लेनेशन हम देख सकते हैं लाइक आपका जो हींग होता है ठीक है फेरुला जैसा फोर्टिडा ठीक है तो उसमें क्या होता है मेनली ये इसके एग्जाम्पल्स हैं गम मिर ठीक है गमबोग ये सारे आपके किसके एग्जाम्पल हैं आपके ओलियो गम रेजिन के एग्जाम्पल हैं ठीक है। मेनली इसमें क्या होता है ओलियो गम रेजिन क्या होता है जब भी हम पर्टिकुलर उस प्लांट के बार्क पे ठीक है बार्क पे इंसिजन करते हैं कट करते हैं तो ऊज आउट होता है यानी कि खुद से ही उसमें से क्या होता है मेनली ये खुद से ही सिक्रीट होता है कौन आपका ओलियो गम रेजिन एग्जाम्पल के लिए आपका क्या है हींग एंड गम मिर ये सारे ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने डिस्कस किया जो भी हमारे फार्माकोग्नोसिस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नए सब्जेक्ट के साथ ठीक है जो भी हमारा है। चलिए तब तक के लिए डियर स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स ठीक है। चलिए गुड नाइट ऑल ऑफ यू।